बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है सब खैर आफिस से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 27 को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 27 में हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री का आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर चाइल्ड के मिनिमम 0 चिल्ड्रन होते हैं, हर पेरेंट के या हर नोड के मिनिमम जो है वो 0 चिल्ड्रन होते हैं, या फिर एदर 1 चिल्ड्रन होते हैं, या फिर एदर 2 चिल्ड्रन होते हैं, यानी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे। मिनिमम 0, मैक्सिमम 2, यानी 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होते बाइनरी। तो ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। अब बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर प्रीवियस लेक्चर 26 में मैंने ऊपर एक टॉपिक छोड़ा था ये एक पेज का। इस पेज में पहली प्रॉपर्टी उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जनाब, आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री की, वो है जी कि किसी भी ट्री के अंदर कहता है जो इंटरनल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो एन होती हैं, और जो एक्सटर्नल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं वो एन प्लस 1 होती हैं। तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है। तो हम इस पहली जो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिखूंगा, ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ आपने नोट करते जाना अपने माइंड में। मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगी उसको यहाँ पे शॉर्टली पेंट पे लिख दूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी है जनाब कि आपकी जो इंटरनल नोड्स वो कितनी है जी, वो हैं, अल्लाह आपका भला करे, एन, ठीक है जी। और इसी के साथ कहता है जो आपकी, इसी के साथ वो कह रहा है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा लेंथी कर देता हूँ, अच्छा जी, इसी के साथ वो कह रहा है कि जो आपकी एक्सटर्नल नोड्स हैं वो कितनी होती हैं, एन प्लस वन। तो इसको मैंने कुछ ऐसे आगे की तरफ मूव कर दिया, ओके। तो इसको भी आगे की तरफ मूव कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी ट्री के अंदर नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितनी होती हैं, एन होती हैं, जबकि नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स जो हैं वो कितनी होती हैं, एन प्लस वन होती हैं, ठीक है। चलें जी, इस प्रॉपर्टी को अब आपने याद रखना है, माइंड में रखना है। जब MCQs में पूछ सकते हैं कि बताएं किसी भी ट्री में इंटरनल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती हैं, तो आपने कहना एन। वो पूछ सकते हैं कि बताएं किसी भी ट्री में एक्सटर्नल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती हैं, तो आपने कहना एन प्लस वन, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं, ये एन और एन प्लस वन कैसे है। सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि ये इंटरनल नोड्स किनको कहता है और एक्सटर्नल नोड्स किनको कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि वो क्या सोच रहे होंगे कि इंटरनल नोड्स वो होती हैं जो ट्री की लीफ नोड नहीं होंगी, यानी जो ट्री की लीफ नोड नहीं है, जिनके आगे फर्दर भी चाइल्ड होंगे, वो इंटरनल नोड्स होंगी। ये स्टूडेंट के माइंड में होगा। और स्टूडेंट के माइंड में दूसरा ये होगा कि यहाँ पे एक्सटर्नल नोड्स वो कहलाएंगी, जैसे यहाँ पे देखें वो बता भी रहे हैं, ये जो लास्ट वाली नोड्स हैं ये क्या है, एक्सटर्नल नोड्स हैं, और ये जो आपकी लास्ट नोड नहीं है, ये जितनी भी लास्ट नोड नहीं है ये इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इंटरनल नोड्स कौन कौन सी हैं, ए भी इंटरनल नोड्स है, बी बी, डी बी, जी बी, ई बी, ई बी, यहाँ पे ई, और यहाँ पे ई, ये एफ और ये सी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है जी, इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है। जबकि अब आप देख रहे होंगे ये जितने भी सारी लास्ट नोड्स हैं, ये सारी की सारी लास्ट, जो भी लास्ट नोड्स हैं ये सारी की सारी, जिनको हम लीव नोड्स कहते हैं, ये सारी की सारी वो कह रहा है जी एक्सटर्नल नोड्स हैं। लेकिन ये आपके माइंड में जो बात है ये गलत है। क्यों बोला, क्योंकि मेरे भाई लीफ नोड एक्सटर्नल नोड्स नहीं होती। चलें यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर कर दूं, इंटरनल नोड्स ट्री में मौजूद हर वो नोड इंटरनल नोड होती है जिसमें आपका कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, कोई ना कोई इन्फो पड़ी हुई है, कोई ना कोई डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल नोड्स। अब आपको क्लियर होगा कि इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स में क्या फ़र्क होता है। इंटरनल नोड्स वो होती हैं ट्री के अंदर, वो चाहे फिर लीफ नोड हो या ना हो, अगर आपके ट्री में जिस नोड के पास डाटा है, अब चाहे वो लीफ नोड है या लीफ नोड नहीं है, भाई वो इंटरनल नोड कहलाती है, ठीक है। अब हमने देखना एक्सटर्नल नोड्स कौन सी होती हैं, तो एक्सटर्नल नोड्स भाई वो होती हैं ट्री के अंदर जो बिल्कुल नल होती हैं, यानी जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा होता, जिनको हम नल नोड्स या नल पॉइंटर्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जितनी भी छोटी छोटी आपको स्क्वेयर बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, नल हैं, इनमें कुछ भी आपको वैल्यू नजर आ रही है नहीं। तो लिहाजा ट्री के अंदर वो तमाम नोड्स या वो तमाम पॉइंटर्स, यहाँ पे इनको हम नल पॉइंटर्स कहते हैं, तो वो तमाम पॉइंटर्स ट्री में जिनके पास कोई भी डाटा आपको नजर नहीं आ रहा,
जिनके पास आपको कोई भी डाटा नजर नहीं आ रहा, कहता है उन नोड्स को या उन पॉइंटर्स को हम ट्री में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नोड्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, उसने कहा जी यहाँ पे इंटरनल नोड्स 9 है जबकि एक्सटर्नल नोड्स 10 है, हम ये प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यस, हमारे पास जो इंटरनल नंबर ऑफ नोड्स आई हैं वो कितनी आई हैं जी, 9 आई हैं, यानी n आई हैं। ओके, और 9 इंटरनल नोड्स, उसने क्या कहा था, एक्सटर्नल नोड्स n प्लस 1 होगी, यानी जितनी इंटरनल नोड्स होंगी ना उसमें 1 प्लस 1 करोगे तो एक्सटर्नल नोड्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं कि वाकई इसने ऐसी बात जो की है, क्या वाकई ये ठीक है। यहाँ पे समझ में एक्सटर्नल नोड्स कितनी आनी चाहिए, अगर इंटरनल नोड्स 9 है तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, तो एक्सटर्नल नोड्स 10 होनी चाहिए। देखते हैं क्या वाकई 10 है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है जी। तो ये आपकी होगी एक्सटर्नल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी आपकी, 10 पूरी हो गई, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि एक्सटर्नल नोड्स और इंटरनल नोड्स में क्या फर्क होता है, और इंटरनल नोड्स होती हैं n और एक्सटर्नल नोड्स होती हैं n प्लस 1। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। चलिए आप दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। अब आगे जनाब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कहता है ये दूसरी प्रॉपर्टी में हमें ये कहता है, कहता जी अच्छा जी ये कह रहा है जी, ये प्रॉपर्टीज ये लिखी हुई है, ठीक है जी। ये कह रहा है जी अ बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड्स हैज टू एन लिंक्स, एन माइनस वन लिंक्स टू इंटरनल नोड्स एंड एन प्लस वन लिंक्स टू एक्सटर्नल नोड्स, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पे अगर हम इस बात को लिखें, यहाँ पे लिखें इस बात को, तो यानी हमारे वो कह रहा है कि दूसरी प्रॉपर्टी ये है, बाइनरी ट्री की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपकी इंटरनल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हैं, एन है, ठीक है, तो कहता है उसके जो नंबर ऑफ लिंक्स होंगे ना उस पूरी ट्री के अंदर, नंबर ऑफ लिंक्स वो कितने होंगे, नंबर ऑफ लिंक्स, लिंक्स कितने होंगे उस ट्री में, 2n, ठीक है जी, जिसमें से एन माइनस वन आपके इंटरनल लिंक्स होंगे, इंटरनल लिंक्स होंगे लिंक्स, और सर आपके एन प्लस वन आपके एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, एक्सटर्नल लिंक्स। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये भी आपने याद रख लेनी है, बस इस प्रॉपर्टी को आपने अब क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये है कि ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है आपके पूरे ट्री में कितने लिंक्स होंगे, कितने नंबर ऑफ लिंक्स होंगे, 2 इंटू एन। अब 2 क्या है, 2 आपके फार्मूले का है, और एन क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी जितनी नोड्स होंगी ना उनको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हें आपके नंबर ऑफ लिंक्स होंगे पूरे ट्री के अंदर। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी का पहला जूस है। दूसरा जूस क्या कहता है, कहता है अगर टोटल लिंक्स 2 इंटू एन है तो कहता है उनमें से एन माइनस वन आपके इंटरनल लिंक्स होंगे जबकि एन प्लस वन आपके एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, ठीक है जी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये एन माइनस वन और n प्लस वन को अगर हम आपस में ऑपरेशन करें तो क्या वाकई हमारे पास 2n आता है। तो यहाँ पे देखें, ऑपरेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारे पास अगर हम लिखें n माइनस वन प्लस n प्लस वन, यानी n माइनस वन आपका ये वाला और n प्लस वन आपका ये वाला, इन दोनों को आपस में मैंने ऐड किया। तो देखें जब ऐड आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो देखें ये जो आपका माइनस वन है ये कट कर जाएगा प्लस वन के साथ, माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो बाकी क्या बच गया, बाकी आपके पास ये एन बच गया और ये एन बच गया। इस एन और इस एन को आपस में आप प्लस किया तो क्या आ गया, ये आपके पास बन गया एन, एक एन ये है, एक एन ये है, तो कितने एन हो गए, 2n हो गए। तो इनको आपस में प्लस किया तो ये जवाब आया 2n। तो ये देखें मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया कि वाकई ही ये नंबर ऑफ लिंक्स कितने आपके टोटल पास आ गए हैं, 2n आपका फार्मूला एग्जैक्ट ठीक है। अगर हम n माइनस वन और n प्लस वन को आपस में ऐड करें तो हमारे पास 2n आंसर आता है, ठीक है जी। तो ये थे जनाब आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स 2n, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे इसी को वो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या इन्होंने बाकी प्रूफ किया कि नहीं किया। अब यहाँ पे देखें, कहता जी इंटरनल लिंक्स आपके यहाँ पे 8 हैं, इंटरनल लिंक्स आपके यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। अब यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं कि वाकई हमारे एक्सटर्नल लिंक्स 8 हैं कि नहीं हैं। अब लिंक्स किसको कहते हैं, लिंक्स भाईजान कहते हैं ये जो एक नोड से दूसरी नोड की तरफ ये जो आपकी लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन, ये जो आपने एज बनाया हुआ है
कनेक्शन करने के लिए, इसको हम कहते हैं लिंक्स। अब यहाँ पे आपकी इंटरनल नोड्स के लिंक्स कैसे फाइंड होंगे दोस्तों, जितनी भी आपकी इंटरनल नोड्स हैं उनके दरमियान जो लाइन लगी हुई है इनको हम इंटरनल लिंक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, ए से बी की तरफ लाइन 1, 2, 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, तो 8 आपके हो गए लिंक्स। क्यों, कौन से? इंटरनल लिंक्स। अब हम, उसने क्या कहा था, आपके इंटरनल लिंक्स कितने होंगे, अगर 8 हैं तो आपके एक्सटर्नल लिंक्स कितने होंगे। यहां पे देखें, अगर वो कहता है आपके इंटरनल लिंक्स कितने हैं, n यानी 8 है, तो कहता है उनमें से -1 करो और उसमें +1 कर दो, n+1 यानी जितनी नोड्स हैं। सबसे पहले आपको नोड्स फाइंड करनी पड़ेंगी, तो कहता है जितनी आपके पास नोड्स हैं ना उन नोड्स में आप एक एक्स्ट्रा कर दो, आपके नंबर ऑफ लिंक्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम, इसका एक और आसान तरीका भी है, वो क्या बोला कि आप काउंट कर लो कि आपके स्ट्री में नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितनी हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका लिंक्स फाइंड करने का। सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले, क्योंकि उसने क्या कहा था, जितनी आपकी नंबर ऑफ नोड्स होंगी उसमें से -1 कर दो आपके इंटरनल लिंक्स आ जाएंगे, जितनी आपकी नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से +1 कर दो आपके एक्सटर्नल लिंक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरनल नोड्स कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 9 आई मेरी नंबर ऑफ नोड्स, तो 9 - 1 जवाब क्या आया, जवाब आया 8। इसका मतलब है मेरी इंटरनल लिंक्स कितने होंगे, 8 होंगे। अब इसी तरह हमने गिननी है नंबर ऑफ नोड्स कितनी, हमने नंबर ऑफ नोड्स गिननी है। अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स गिने, अब जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। अच्छा जी, सॉरी, नंबर ऑफ नोड्स ने कहा था, ये तो हमारे पास नल पॉइंटर्स है ना, उसने नोड्स कहा था, तो नोड्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गई। अब यहाँ पे देखिए जरा, 9 आपकी आ गई नंबर ऑफ नोड्स, तो 9 और ये वाला +1 आपने ऐड करना, तो +1 क्या आया, जवाब आया 10। तो आपकी एक्सटर्नल लिंक्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये इसका ठीक आंसर है कि आपने सिर्फ ये जो आपके इंटरनल नोड्स है ना ये सिर्फ काउंट करनी होती हैं और आपके पास नंबर ऑफ लिंक्स आ जाएंगे दोनों के, यानी -1 करोगे नंबर ऑफ नोड्स में तो आपके इंटरनल लिंक्स आ जाएंगे, अगर +1 करोगे तो आपके एक्सटर्नल लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यही वो करके दिखा रहे हैं, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं जी, कहता है बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड्स हैज 2n लिंक्स, n-1 लिंक्स टू इंटरनल नोड्स एंड n+1 लिंक्स टू एक्सटर्नल नोड्स। ये वही प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो अभी अभी मैंने आपको समझाई है। ठीक है जी, नीचे देखें, कहता है इन एवरी रूटेड नोड ईच नोड एक्सेप्ट द रूट, कहता हर नोड जो है वो एक्सेप्ट करती है रूट को, हैज अ यूनिक पेरेंट, यूनिक पेरेंट के साथ। ठीक है, ये जो इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरा गौर से सीखा करें। ठीक है, उसके बाद कहता है एवरी लिंक्स कनेक्शन अ नोड टू इट्स पेरेंट, कहता है अब सुन ले जरा, कहता है एवरी लिंक, कहता है हर लिंक कनेक्ट्स अ नोड टू इट्स पेरेंट, कहता है हर लिंक जो है वो कनेक्ट होता है नोड के पेरेंट्स के साथ। यानी अगर हम इसका प्रॉपर मीनिंग उर्दू तर्जुमा करें तो समझ लीजिए कि हर नोड का जो लिंक होता है, एवरी लिंक ऑफ नोड वो कनेक्ट किससे होता है, अपने पेरेंट नोड के साथ। सो देर आर n-1 लिंक्स कनेक्टेड इंटरनल नोड्स, क्या वो कहता है यहाँ पे, फिर क्या हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हर आपका लिंक जो है वो कनेक्ट होता है अपने पेरेंट नोड के साथ, तो कहता है फिर हम ये कह सकते हैं कि n-1 जो लिंक्स होते हैं वो कनेक्टिंग होते हैं इंटरनल नोड्स के साथ। यानी जो आपके n-1 लिंक्स होंगे ना वो किसके साथ कनेक्ट होंगे, इंटरनल नोड्स के साथ, और n+1 जो लिंक्स होंगे वो किसके साथ कनेक्ट होंगे, आपके एक्सटर्नल लिंक्स एक्सटर्नल जो है वो नोड्स के साथ। ठीक है जी, उसके बाद देखें उन्होंने वही चीज़ कहता है, सिमिलरली ईच ऑफ द n+1 एक्सटर्नल नोड्स हैज़ 1 लिंक टू इट्स पेरेंट। ठीक है जी, उसके बाद कहता थस n-1 + n+1 = 2n, ये मैंने आपको अभी अभी प्रूफ करके दिया है, n-1 को n प्लस कर दें, n+1 के साथ तो आपका आंसर जो है वो 2n आएगा, ये मैंने अभी अभी आपको प्रूफ करके दिया है। चलें जी, ये हो गया हमारे पास 2 प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको समझा दी है सारी। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपने नोट करनी है, नोट कर लें ताकि आपको बार बार ये रीड करने की कोशिश ना, ये हैंड आउट रीड ना करने पड़े, यहाँ से आप शॉर्टली जल्दी पेपर के करीब जो है देख लें। उसके बाद कहता थ्रेडेड बाइनरी ट्री, अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है इसको हम देखना है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री भाई वो होता है जिसमें एक ट्री का, लाइक आपके पास एक बाइनरी ट्री है, उस बाइनरी ट्री के अंदर आपने अगर कोई ऑपरेशन करना है यानी कोई रिकर्जिव कॉलिंग करनी है, तो कहता है उस रिकर्जिव कॉलिंग को करने के लिए हम उसके छोटे छोटे जो है उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। वो जो छोटे छोटे कहता है अपने प्रोग्राम बनाना उनको हम थ्रेड कहते हैं।
क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, कहता है इन मैनी एप्लीकेशन बाइनरी ट्रैवर्स आर कैरिड आउट रिपीटेडली, यानी ये जरा बात पढ़ें, इस बात का मतलब ये है कि कहता है हम बहुत सी एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा बाइनरी ट्री होता है ना उसको ट्रैवर्स करते हैं, उसको विजिट करते हैं, कैसे, रिपीटेडली यानी बार बार, कैसे बार बार, यानी बार बार क्यों करते हैं। लाइक अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, जब आपने ट्री के अंदर इन ऑर्डर करना होता है तो आप क्या करते हो, ट्री को बार बार रिकर्सिव कॉलिंग करते हो, रिपीटेडली कॉल करते हो। जब आपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी होती है तो आप क्या करते हो, रिकर्सिव कॉलिंग करते हो। आपने जब पोस्ट ऑर्डर करनी होती है तो आप कौन सी कॉलिंग करते हो, आप रिकर्सिव कॉलिंग करते हो। तो मेरे भाई जब भी आप रिकर्सिव कॉलिंग करते हो ना तो बेसिकली वो रिकर्सिव कॉलिंग बैक एंड पे किसके थ्रू हो रही होती है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री के थ्रू हो रही होती है। अब ये थ्रेड्स क्या होते हैं, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा सब्जेक्ट तो आपको याद होगा कि थ्रेड्स क्या होती है। थ्रेड्स हमारे पास वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, यानी अगर हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, यानी एक बड़ा पेरेंट था उस पेरेंट के हमने छोटे छोटे चाइल्ड बना लिए, जो चाइल्ड एट अ टाइम पैरेलली वर्क करते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे प्रोग्राम एक ही टाइम में पैरेलली वर्क करते हैं उनको हम थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है जी। तो जनाब थ्रेड्स वो होते हैं जिसमें हम अपने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं, और वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो है एक एक ही टाइम में पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, एक के साथ इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। तो कहते हैं जब इस तरह आपने बाइनरी ट्री को रिपीटेडली ट्रैवर्स करना होता ना तो उसके लिए हम कौन सा ट्री इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री को इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यहाँ पे उसकी भी ऑप्शन लिखी हुई है, कहता था ओवरहेड ऑफ स्टैक ऑपरेशंस ड्यूरिंग रिकर्सिव कॉल्स कैन बी कॉस्टली। ये बात जरा पढ़े, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जरा पढ़े। अब ये बात आपको बता रही है कि थ्रेड्स बाइनरी ट्री को हम इस्तेमाल, थ्रेड्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं बाइनरी ट्री के अंदर, ठीक है। ऊपर से ये बताया था कि थ्रेड्स बाइनरी ट्री को हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं जब हमने अपने बाइनरी ट्री को रिपीटेडली ट्रैवर्स करना हो, ठीक है। अब बात मैंने ये बताई आपको कि इसको तो स्टैक भी, ये तो स्टैक भी कर सकता है, लेकिन उसने अब बात बताई आपको, कहता जब हम स्टैक के थ्रू अपने बाइनरी ट्री को रिकर्सिव कॉल्स करते हैं ना तो सर वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। अब यहाँ महंगे के मुराद ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे भाई महंगे से मुराद ये है यानी आपकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, आपके प्रोसेसर को ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ये यहाँ पे कॉस्टली का मतलब है, ठीक है जी। तो लिहाजा जब आपकी मेमोरी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी वजह से क्या होगा, आपको लोड ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपकी मेमोरी को, जब लोड ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, आपके अदर जो एप्लीकेशन रन हो रही हैं वो स्लो वर्क करना शुरू कर देंगी। तो इसी वजह से कहता है हम जो स्टैक का इस्तेमाल नहीं करते जब हमने रिपीटेडली रिकर्सिव कॉल करनी हो ना बाइनरी ट्री को, तो फिर कहता हम स्टैक का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें हमें कॉस्टली पड़ता है ज़्यादा ये, इसलिए फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो यही वो सारी उन्होंने बातें लिखी है, द सेम वो ट्रू इफ वी हैज़, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने मेन जो कंसेप्ट था वो आपको समझा दिया है इसका, थ्रेड बाइनरी ट्री का, तो बाकी सारे इन्होंने वही एक्सप्लेनेशन दी हुई है अब थ्रेड बाइनरी ट्री के बारे में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये जरा अच्छे से देखें, कहता इट वुड बी यूजफुल टू मॉडिफाई द ट्री डाटा स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स द बाइनरी ट्री सो एज टू स्पीड अप से द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रोसेस मेक इट स्टैक फ्री। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कहता है हम थ्रेड बाइनरी ट्री का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हमने ट्री के डाटा को मॉडिफाई करना होता है स्पीड अप, यानी जल्दी जल्दी, स्पीडी, फास्टली, तेज़ी के साथ जब हमने अपने ट्री के डाटा को मॉडिफाई करना होता है, चेंज करना होता है, अपडेट करना होता है, तब कहता हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कहता है थ्रेड्स जो होते हैं ना ये हमारे एज कम्पेयर टू स्टैक के एक तो इतने कॉस्टली नहीं होते, कम कॉस्टली होते हैं, दूसरा ये बहुत स्पीड से वर्क करते हैं जब हमने अपने ट्री की वैल्यूज को एडिट करना होता है, ठीक है जी, समझ आ गई, ओके जी। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, तो नेक्स्ट वही बात वो दोबारा उसने रिपीट की है, प्रॉपर्टी नंबर आपकी 2 जिसमें कह रहा था इंटरनल नोड्स आपकी 9 है, एक्सटर्नल नोड्स आपकी 10 है, यानी वो सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने आपको समझाई थी कि n जो है वो आपकी इंटरनल नोड्स होती हैं और एक्सटर्नल नोड्स आपकी n+1 होती हैं, तो यही बात वो आपको दोबारा रिपीट करके दे रहा है। नेक्स्ट अब हमने करना है जनाब जो हमारे नेक्स्ट, ये आपने थ्रेड्स बाइनरी ट्री को देख लिया, अब हमने देखना है कि थ्रेड्स को
ऐड कैसे किया जाता है ड्यूरिंग इंसर्ट, यानी जब हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होती है तो अब नया टॉपिक हमारे पास आया जी एडिंग थ्रेड्स ड्यूरिंग इंसर्ट। ऊपर आपने देखा कि थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स को इस्तेमाल हम क्यों करते हैं बाइनरी के अंदर, वो डिटेल्स आपने सीखा। अब आपने देखना कि एडिंग थ्रेड्स ड्यूरिंग इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब क्या है कि जब आपने कोई नई नोड ऐड करनी है तो वहां पर थ्रेड्स क्या काम करते हैं। तो दोस्तों थ्रेड्स ये काम करते हैं, देखें एक नोड से दूसरी नोड की तरफ थ्रेड जो है वो लिंक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली कौन क्रिएट कर रहा है, ये पैरेलली थ्रेड्स वर्क कर रहे हैं, ये जो आपके लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट करें आपने नोड नंबर 16 ऐड करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इस 16 को चेक करोगे कि ये किस नोड के साथ, किस नोड के लेफ्ट और राइट की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले 16 14 से कंपेयर होगा, ये राइट साइड पे आ जाएगा क्योंकि 16 बड़ा है 14 से ज्यादा, ये 15 के पास आ गया। अब 15 के ये राइट साइड पे आएगा और 18 के लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। तो यानी आपने जो नई नोड ऐड करनी है वो आपकी पेरेंट नोड कौन हुई, यहाँ पे 18, क्योंकि 18 के लेफ्ट पे आपने ये 16 ऐड करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही है ना, बेसिकली थ्रेड्स हैं जो पैरेलली वर्क कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे पेरेंट नोड कौन सी है, ठीक है। अगर हम इनका इसका इन ऑर्डर लगाएं तो इन ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम सेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज लगा देते हैं। तो यहाँ पे पहले 14 डिस्प्ले होगा, फिर 15, फिर 18, फिर 20। तो यहाँ पे देखें ये आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कौन लगा रहा है, ये थ्रेड्स लगा रहे हैं आपका इन ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि थ्रेड्स ही वो होते हैं जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो, तो आपके ट्री में रिपीटेडली काम करने के लिए हम थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको क्योंकि हमारा मेन जो कंसेप्ट है वो है शॉर्टली अपनी चीज़ों को कंसेप्ट, उनका मेन कंसेप्ट लेना, डीपली हमने चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि डीपली पूछेंगे भी नहीं आपसे, आपसे मेन उन्होंने कंसेप्ट पूछना होता है। तो पेपर के अंदर मेन कंसेप्ट आपको आता है, एमसीक्यूज में मेन कंसेप्ट पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखें स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था, देखें क्या हुआ, उसने सबसे पहले चेक किया आपका पेरेंट कौन है, तो पेरेंट आ 18, तो 18 यहाँ पे पेरेंट। तो यहाँ पे थ्रेड्स ने क्या किया, इस 16 को उठा के स्टेप नंबर 1 के अंदर 15 से कंपेयर करेगा, ठीक है। जब 15 से कंपेयर किया थ्रेड्स ने, तो देखिए बाकी सारे थ्रेड भी पैरेलली साथ से चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये होते हैं थ्रेड्स जो पैरेलली अपने आप को जो है चल रहे होते हैं। ये अब छोटा छोटा आपको कोड में यानी एक कोड की फॉर्म में समझा रहे हैं कि क्या होगा। सबसे पहले ट्री के लेफ्ट की तरफ सॉरी जो भी हमारा पेरेंट है उसका लेफ्ट जो है वो हम थ्रेड उठा के थ्रेड लेफ्ट को दे देंगे, यानी यहाँ पे ये पी जो है आपके पेरेंट को पॉइंट आउट कर रहा है और ये जो टी आपके थ्रेड्स को जो है पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट का लेफ्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो उठा के हम थ्रेड के लेफ्ट को दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट थ्रेड जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही है, तो पी इज सक्सेसर ऑफ टी, कहता है पी जो है वो सक्सेसर ऑफ टी, यानी टी जो हमारा थ्रेड है ना उसका सक्सेसर है, यानी सक्सेसर कहते हैं आगे वाले को, ठीक है जी। तो ये बेसिकली उन्होंने कोड के जरिए समझा रहे हैं आपको बात। नेक्स्ट यहाँ पे देखें स्टेप नंबर 1 में क्या किया था हमने, 16 को कंपेयर किया 15 के साथ। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में इस 16 को उठा के अब हम 15 के राइट साइड पे लेके आने लगे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप वो यही करेंगे, ये देखें स्टेप 3 में उन्होंने क्या किया, ये 16 ले आए 18 के पास। अब 18 के फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये थ्रेड जो है वो 16 को ऐड कर देगा 18 के लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट के अंदर यही होगा, ये देखें स्टेप नंबर 4 के अंदर मेरा 16 ऐड हो गया 18 की लेफ्ट साइड पे। ये देखें ये डॉटेड लाइन आपको शो कर रही है, तो ये आपका बन गया। स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ, जैसे ही आपने 16 को 18 की लेफ्ट साइड पे रखा, उसके बाद आपने क्या किया, अब 16 को लिंक भी तो करना ना 18 के साथ, तो फिर आपने क्या किया 16 को लिंक कर दिया 18 के लेफ्ट पॉइंटर के साथ, ठीक है। तो लिहाजा ये स्टेप नंबर 5 था आपका। तो यही वो बेसिकली कोड के जरिए भी आपको समझा रहे थे और यही वही बात है जो मैं आपको अभी भी ऊपर सारी डिटेल से समझाई है, ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 6 क्या है, अब स्टेप नंबर 6 में कहता जी अब जो है ना एक नया थ्रेड क्रिएट होगा जो थ्रेड डॉट लाइंस के साथ शो करेगा कि ये 16 जो है वो 18 का लेफ्ट चिल्ड्रन है, ठीक है। उसके बाद ये थ्रेड्स देख रहे हैं ये थ्रेड्स सारे देखें जितने भी आपकी नोड्स थी उन सब नोड्स के साथ ये थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं, यानी हर नोड, क्योंकि हम इन ऑर्डर लगा रहे हैं ना, तो इन ऑर्डर में क्या होता है हर नोड अपने सक्सेसर को पॉइंट कर रही होती है। तो यहाँ पे देखें थ्री के सक्सेसर कौन है, फोर के सक्सेसर कौन है, फाइव के सक्सेसर सेवन का नाइन। तो यानी ये जितने भी थ्रेड्स हैं ना, ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि हर नोड का सक्सेसर कौन है, हर नोड का सक्सेसर कौन है। तो यहाँ पे यही वो बात बताई जा रही है, व्हाट इज इन ऑर्डर सक्सेसर। अब आपको वही बात जो मैंने ऊपर अभी आपको बताई है वही आप डिटेल से बताने लगे। चलें यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कहता है जी इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ फोर। अब मैं आपको इसी चीज़ को यहाँ पे पहले इंप्लीमेंट करके देता हूँ। यहाँ पे देखें फर्ज करें आपने यहाँ पे लिखा,
ये आपका ट्री है, इस ट्री में आपने इन ऑर्डर लगाना है। तो इन ऑर्डर कैसे लगता है, इन ऑर्डर ऐसे लगता है इसमें जितनी भी वैल्यूज सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लग जाती हैं। सबसे पहले क्या आएगा, थ्री फिर फोर फिर फाइव, तो यहाँ पे लिखें आप थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सेवन फिर नाइन, ठीक है, थ्री फोर फाइव सेवन नाइन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन, तो यहाँ पे नाइन के बाद फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी, ठीक है जी। ये लें, ये आपकी लगी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा जी जनाब आप हमें ये बताएं इन ऑर्डर का सक्सेसर ऑफ फोर क्या होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ फोर, यानी वो पूछ रहे हैं कि अब बताओ ये जो आपने इन ऑर्डर लगाई है इसके अंदर ये जो फोर है, ये जो फोर है इस फोर का सक्सेसर कौन है। सक्सेसर कहते हैं आगे वाली वैल्यू को, उससे आगे वाली वैल्यू को। तो अब फोर का सक्सेसर यहाँ पे कौन है, फोर का सक्सेसर आपको नजर आ रहा है कौन है, फाइव है। तो इसका मतलब हमने कह दिया कि फोर का सक्सेसर यहाँ पे फाइव है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा जरा, ये आपको अब बताएंगे, ये देखें जरा, कहता है द लेफ्ट मोस्ट नोड इन राइट सब ट्री ऑफ फोर, यानी ये देखें उसने एरो से बताया भी हुआ, कहता है फोर का जो सक्सेस इन ऑर्डर सक्सेसर है ना वो कौन है, यहाँ पे फाइव है। समझ आ गई, ओके डन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, कहता जी इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ नाइन, अब आपने बताना नाइन का सक्सेसर कौन है, तो नाइन कहाँ पे है, ये है नाइन, तो ये नाइन है हमारे पास, इस नाइन का आप सक्सेसर चेक करें तो नाइन का सक्सेसर जो है वो यहाँ पे फोर्टीन है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो रूट नोड है फोर्टीन वो यहाँ पे क्या है, सक्सेसर है किसका, नाइन का इन ऑर्डर के मुताबिक। तो यहाँ पे देखें वो नीचे कह रहा, कहता जी फॉलो राइट थ्रेड टू फोर्टीन, के नाइन का ये थ्रेड जो डाटी लाइन लगी हुई है ना, इसके लिए आपके थ्रेड्स लगे हुए हैं, ये थ्रेड्स शो हो रहे हैं किस नोड का कौन सा जो है वो सक्सेसर है इन ऑर्डर के मुताबिक। तो ये नाइन का सक्सेसर कौन है, फोर्टीन, ठीक है जी, फोर्टीन का सक्सेसर कौन है, फिफ्टीन, ठीक है, कुछ इस तरह से। समझ आ गई, अब आपको उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इन ऑर्डर सक्सेसर्स की। उसके बाद इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसी होती है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करने के लिए जनाब मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप या तो स्टैक का इस्तेमाल करते हैं या फिर थ्रेड ट्री का इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम चूंकि स्टैक कॉस्टली होता है तो हम यहाँ पे थ्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें थ्रेड्स ने क्या किया, हमने सबसे पहले थ्रेड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बड़े एक ट्री को हम छोटे छोटे जो है ना हर नोड को उसके थ्रेड एक नया थ्रेड क्रिएट करते हैं और वो थ्रेड क्या करता है हमारी करंट नोड के जो भी सक्सेसर होता है इन ऑर्डर के मुताबिक उसको पॉइंट आउट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन ऑर्डर कैसे लग जाएगा, जैसे मैंने आपको इन ऑर्डर यहाँ पे लगा के दिखाया कि सबसे पहले आएगा सबसे छोटी वैल्यू थ्री, तो यहाँ पे सबसे पहले थ्री डिस्प्ले होगा, यहाँ पे देखें इन ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले थ्री डिस्प्ले होगा, फिर फोर डिस्प्ले होगा, फिर फाइव डिस्प्ले होगा, फिर सेवन, यानी जैसे ये थ्रेड लगे हुए हैं ना वैसे वैसे वैल्यू डिस्प्ले होंगी। तो थ्री के बाद फोर फिर फाइव फिर सेवन फिर नाइन के बाद फोर्टीन डिस्प्ले होगा, फोर्टीन के बाद फिफ्टीन डिस्प्ले होगा, फिर फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन डिस्प्ले होगा, फिर एटीन और फिर ट्वेंटी डिस्प्ले होगा। तो ये आ गया इनका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग थ्रेड्स के जरिए विदाउट स्टैक, यानी स्टैक को हमने इस्तेमाल नहीं किया और हमने जो है वो किसका इस्तेमाल किया जनाब, थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब ये जो आपका नेक्स्ट इन ऑर्डर के कर रहा है ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपकी करंट जो नोड है उसका नेक्स्ट इन ऑर्डर कौन सा बंदा, लाइक जैसे फर्ज करने अभी मैंने आपको पूछा कि थ्री का इन ऑर्डर नेक्स्ट सक्सेसर कौन है, फोर, आपने बताया फोर, अब ये फोर कैसे आएगा कोडिंग के जरिए। तो ये आपको बेसिकली कोडिंग के जरिए समझा रहे हैं कि इफ अगर पी का राइट इक्वल टू है थ्रेड के तो फिर तुम रिटर्न कर दो पी, यानी इसका मतलब है क्या है, यानी इफ अगर कंडीशन चलती है इसका मतलब ये है जनाब कि आपका जो पेरेंट है ना, यानी जो आपका पेरेंट नोड है उसका जो राइट चाइल्ड है ना, उसका जो राइट चाइल्ड है वो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है। तो फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने क्या रिटर्न कर दो पेरेंट का राइट चिल्ड्रन, लेकिन अदरवाइज एस अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैंने कहा पी का राइट चाइल्ड जो है वो पी को दे दो वाइल, और वाइल लूप चलाते रहो तब तक जब तक पी का लेफ्ट जो है वो चाइल्ड के बराबर नहीं हो जाता, यानी उसके चाइल्ड के बराबर नहीं हो जाता। तो जैसे ही उसको वो चाइल्ड के बराबर हो जाएगा तो फौरन से ये रुक जाएगा और ये रिटर्न कर देगा पी को, यानी यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये आपका थ्रेड फाइंड कर रहा है लेफ्ट साइड पे जाके, क्या फाइंड कर रहा है, थ्रेड फाइंड कर रहा है, यानी लेफ्ट के ये, यानी ये यहाँ पे इफ में इसने राइट का डायरेक्ट क्यों फाइंड कर दिया, क्योंकि राइट में दोस्तों क्या होता है, राइट हमने सबसे लास्ट में डिस्प्ले करना होता है इन ऑर्डर में, जबकि जो लेफ्ट होता है ना उसका मोस्ट डीप डिस्प्ले करते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे हमने पहले लूप चलाई, वो लूप क्या करेगी, हमारे पेरेंट का मोस्ट जो लेफ्ट यानी सबसे जो आखिर वाला नोड होगी ना वो जो है हमें क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। समझ आ गई, तो ये था इसका दोस्तों इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग थ्रेड्स।
समझ आ गई। तो ये नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 28 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 27 जो कि थोड़ा ट्रिकी भी था, थोड़ा कम्प्लेक्स था, फिर भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका वो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।